बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के सबक में हमने स्वाद लिखना सीखा था, आज के सबक में हम त्वा लिखेंगे। तो जहाँ पर हमने स्वाद ख़त्म किया था उससे आधा कद पीछे आए और ऊपर यहाँ से आपने त्वा को स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक छोटा सा अलिफ जिस तरह हमने लिखा था अलिफ के सबक में, उसी तरह आपने एक छोटा सा अलिफ लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और लाइन से तकरीबन एक कद ऊपर छोड़ देना है इसी तरह। अब उसको इसी तरह कर्व के साथ नीचे ले आना है लाइन तक यहाँ, और यहाँ से जिस तरह हमने स्वाद का सर बनाया था उसी तरह त्वा का सर बनाएंगे। बिल्कुल स्वाद की तरह ये कलम की नोक के साथ उसको बनाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक है। उसके बाद खड़ी रा लिखना है और उसके साथ खड़ी रा को मिलाना है। इसी तरह उसका पास लाई है कि यहाँ से एक कत और ये पौने दो कत के फासले पर लिखा जाता है। यहाँ से एक कद पीछे चला जाता है यहाँ तक और उसी ऊपर एक कद और ये डेढ़ कद का फासला यहाँ से रह जाता है। तो ये था हमारा आज त्वा का सबक।